नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा से किसान नेता अपने हाथ जला बैठे थे, लेकिन एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च का अल्टीमेटम दे दिया गया और अब की बार सीधे संसद तक ट्रैक्टर मार्च की बात की गई है, वो भी 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ। किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद तक ट्रैक्टर मार्च की बात राजस्थान की सीकर की एक किसान पंचायत में कही। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सरकार को तेवर दिखाना है या वाकई किसान नेता एक नए ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान नेता जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा भी किसान पंचायतों में शामिल हुई है, लेकिन क्या किसान आंदोलन के लिए टकराव जरूरी है? क्या किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए सरकार को अल्टीमेटम देना मजबूरी है? आज का दंगल इसी सवाल पर कि लाल किले से भटके तो अब संसद पर अटके। पहले रिपोर्ट देखिए, टिकैत का बयान सुनिए, फिर बताते हैं आपको हमारे साथ कौन कौन से मेहमान। आपकी कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। आपकी बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च से अभी दिल भरा नहीं, बात संसद तक चढ़ाई की हो रही। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। 26 जनवरी से पहले भी दावा था कि किसान ट्रैक्टर मार्च नहीं करेगा तो क्या करेगा, अब की बार भी दावा ऐसा ही है। लगातार पंचायत आप कर रहे हो अलग अलग राज्यों में जाकर और चुनौती दे रहे हो सरकार को कि ट्रैक्टर ले जाएंगे। अच्छा, ट्रैक्टर ले जाना कोई चुनौती है? ट्रैक्टर अपने खेत में लेके जाते हैं, ट्रैक्टर ले जाना कोई गलत चीज है? 26 जनवरी को जब दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर से उत्पात हुआ था तो राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं ने कहा था हमने कब कोई भड़काऊ बात, लेकिन रिकॉर्ड में रहे, इसीलिए टिकैत का ये बयान भी सुन लीजिए। तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झोपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी। आंदोलन का हक सबको है, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा से हाथ जला लेने के बावजूद ये तेवर, टकराव की ये भाषा क्या किसान आंदोलन को ऑक्सीजन दे पाएगी? उधर किसान सभा के नाम पर 26 जनवरी की हिंसा का आरोपी लखा सिंह सिधाना ने पंजाब के बठिंडा में मानो सिस्टम को सीधी चुनौती दी। बठिंडा के महराज रैली में 2 दर्जन से अधिक पुलिस वालों की नाक के नीचे उसने रैली की। रैली में सिधाना को गिरफ्तार करने की चुनौती दी गई। सिधाना ने अब ये वीडियो पोस्ट कर कहा है कि किसान नेता जहां कहेंगे वहां आंदोलन करेंगे। किसानों के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन बार बार के संग्राम में तब्दील हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो बातचीत से कभी पीछे नहीं हटी है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राण पण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करता है। किसानों के मसले को जल्द से जल्द सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर टिके। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, वो किसान नेता हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। और हमारे साथ रोहन गुप्ता होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी की सोशल मीडिया के प्रमुख। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, क्या प्लानिंग है नई है जिसका टिकैत जी जिक्र कर रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर अब संसद जाएंगे? देखिए रोहित जी, इतनी असंवेदनशील सरकार ये हो चुकी है कि 2 लाख किसान 3 महीने से दिल्ली घेरे हुए बैठे हुए हैं। लगभग 225 से ज्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है।
लेकिन ये सुनने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। 22 जनवरी को लास्ट वार्ता हुई थी, उसके बाद कॉल कर लेना और कील ठोक दी बीच में। तो ये असंवेदनशील सरकार है। वार्ता की कोई तिथि इन्होंने घोषित नहीं की है कि इस दिन इस समय वार्ता के लिए आप आ जाइएगा। लेकिन जब सरकार ना सुने तो जनता जिसने उसको सरकार में बिठाया है वो जब कॉल देगी तो संसद घेराव की कोई पहली बार तो बात हो नहीं रही है। अनेक आंदोलन हुए हैं जिसमें जो है संसद घेराव की बात की कही जाती है। संसद सीट ऑफ पावर है। यदि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिनको हमने संसद में बैठाया है, जिनको हमने सरकार में बैठाया है, वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम जाकर के संसद में उनसे पूछें। अभी ये आ रहे हैं, इनका तमाम तरीके से विरोध किया जा रहा है। अधिकार से पुष्पेंद्र जी किसी को आपत्ति नहीं है, आंदोलन चल रहा है, लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति लाल किले पर हुई घटना देखने के बाद हो सकती है किसी को। लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके बाद भी आप दोबारा ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं या जानबूझ के करना चाहते हैं ऐसा? देखिए अभी तो फिलहाल ये राकेश सिकंदर जी द्वारा जो है बात कही गई है, इसके विषय में निर्णय लिया जाएगा कि कब और किस तरीके का प्लान होगा, क्या करना है इसमें, क्योंकि सरकार ये सुनने वाली नहीं है। हमने तो दो चीज देख ली है, या तो इनके ऊपर दबाव डालो तब ये सुनेंगे, या दूसरा सारे अस्त्र बेकार चले गए और हमने इनको रामचंद्र जी बना करके वहां बिठाया था लेकिन ये रावण के रूप में जो है अब हमारे साथ दमनकारी नीति अपना रहे हैं। और रावण का अंत कैसे करना हमें पता है, ये वोट से इनका अंत होगा हमें पता है, इसकी नाभि कहाँ है, इसकी नाभि वोट में है, वोट के माध्यम से हर चुनाव में इनको हराने का काम आगे जाके करेंगे। तो वोट में तो अभी टाइम है ना पुष्पेंद्र जी, अभी तो मैं संसद के घेराव की बात पे सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं राकेश जी ने कह दिया प्लानिंग नहीं है, राकेश जी बिना प्लानिंग के किसी भी रैली में कुछ भी बोलते नहीं होंगे, कुछ तो प्लान होता होगा, कोई तो चर्चा होती होगी, उसके बाद वो बोलते होंगे जाके। और अगर वो कह रहे हैं कि हम 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद का मार्च करेंगे, या वो कह रहे हैं कि हम अडानी के गोदामों को तोड़ देंगे जैसे हमने सहारनपुर में फैक्ट्रियां तोड़ी हैं, तो कहीं कोई प्लानिंग तो हुई होगी ना, या ऐसे ही कह देते हैं फिर आप लोग प्लान बनाते हैं कि इन्होंने कह दिया है तो अब हमको करके तो दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं देखिए ऐसा होता है कि जब आदमी भाषण देता है कुछ चीजें सांकेतिक रूप से भी की जाती है कि भाई हम घेराव करेंगे, घेराव का क्या अर्थ निकलेगा, और आंदोलन के दौरान नेता का ये कर्तव्य है कि अपनी रणनीति सरकार तक ना पहुंचे, सरकार अनस्टेबल रहनी चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए क्या करने जा रहे हैं। लाल किले तो में यही किया था क्या कि सरकार को अनस्टेबल रखा, पहले कहते रहे नहीं सब शांतिपूर्वक होगा, हमारे तो बाकायदे पूर्व सैनिक लग रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ वो सबने देख लिया। नहीं नहीं उसमें उसके घटना के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर इसी देश में जब आरक्षण के विरोध में 30 साल पहले आंदोलन हुए थे, सारा देश 2 महीने तक जलाया गया था इन्हीं तथाकथित लोगों द्वारा जो कहते हैं कि किसान आंदोलन गलत कर रहे हैं। तो आप जलाना चाहते हैं? 90% शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, आप भी जलाना चाहते हैं? लोकतंत्र में नहीं है जी। अब आप भी जलाना चाह रहे हैं? हम कुछ जलाना नहीं चाह रहे, हम बताना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह का मजाक आप मत करिए। हमने टिकैत जी से काफी कोशिश की कि आज यहाँ वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो रास्ते में है, ट्रेवल कर रहे हैं लगातार, इसलिए आ नहीं पाएंगे। इसलिए जो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके पास उनका जवाब हो तो आप दे पाएं, और आप भी कोशिश कर रहे हैं कि जवाब दे दें। आपने एक बात कही कि सरकार वार्ता की तारीख नहीं दे रही है, 1 महीना हो गया, ये बात सच है, लेकिन वार्ता की तारीख का करना क्या है आपको, जब आप पहले तय करके बैठे हैं कि कानून वापस होंगे तभी बात होगी, वरना बात ही नहीं करनी है, फिर तारीख किस बात की मांग रहे हैं? ठीक है, अगर सरकार ने कहा है कि हम वार्ता करके इसको सुलझाना चाहते हैं तो हम पीछे क्यों हटे, हम देश के नागरिकों को ये संदेश क्यों दे कि हम वार्ता में शामिल नहीं होना चाहते। अगर ये वार्ता की तारीख देंगे तो हम इनसे जाके पूछ लेंगे। आखिरी बातचीत जो हमने कृषि मंत्री से इस संदर्भ में की और हमने उनसे सवाल पूछा, आप क्योंकि आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो हम ही दोनों तरफ के लोगों से बात करके पूछने की कोशिश करते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि वार्ता की तारीख क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने कहा कि हम किसानों की तरफ से प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, किसान नेता मसौदा बना के दें वो क्या चाहते हैं, प्रस्ताव रखें तो हम बातचीत के लिए फिर बैठने को तैयार हैं। नहीं, अब किसान नेताओं ने किसानों ने मसौदा बना लिया है, इस सरकार को अब जाना होगा, अब इसको मसौदा देखने दिखाने की कोई जरूरत शायद ना पड़े। आने वाले तमाम चुनावों में वोट की चोट से इनको समाप्त किया जाएगा, ये निर्णय ले लिया किसान ने, और जितना ये लंबी इसको खींचता चले जाएंगे इनके खिलाफ सारा माहौल बनता चला जाएगा। युवा इनके खिलाफ है, नौकरी नहीं दी, व्यापारी को जीएसटी में फांस दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन्होंने जो है पेंशन नहीं दी, सारे विभागों की पेंशन इन्होंने काट दी, सारी इकोनॉमी जो है गड्ढे में डाल दी, सारा देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, और इस सरकार को अब जाना होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी, और ये सारी बातें आपको तभी पता लगी जब किसान बिल आपके मन मुताबिक नहीं लगा, वरना उससे पहले सब माफ कर दिया था आपने, आप खुद प्रचार करते थे इनके लिए, झूठ है क्या? राकेश टिकैत के साथ राजनाथ सिंह रैलियों में थे, झूठ है क्या?
वही राकेश टिकैत जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि भाई ये देखो ये बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते हैं, फिर ये सारी बातें आपको अभी पता लगी किसान बिल में कि भाई ये सब चीजें नहीं हुई इस सरकार में। देखिए 2013 से पहले की ये बातें हैं, लेकिन जिस तरह का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इस सरकार में हुआ है, आपकी जानकारी के लिए दर्शकों के लिए बता दूं, अभी चार दिन पहले डी सुब्बा राव जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रहे, उन्होंने लिखा है कि जीडीपी का 90% हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, यानी 225,000 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी है, 225,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा दिया सारे देश को इन्होंने। ये तो पूर्व का तो खराब किया ही किया, बच्चों का भविष्य भी खराब करने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने हेडलाइन बनाई है। मैं हेडलाइन पढ़ के सुना सकता हूं आपको, इतनी बुरी हालत में इस वक्त देश है कि नौकरियां जो है युवाओं को मिल नहीं रही है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, बर्बाद कर दिया है। मैं आपकी सारी बातों का जवाब गौरव भाटिया से लूं, उसके पहले एक फटाफट सवाल और पूछना चाहता हूं। अगर कल किसान ये सारे कानून वापस ले ले तीनों, जिनके लिए आप बैठे हुए आंदोलन पर, सरकार कह दे कि ठीक है मान लिया वापस हो गए, तो ये सारी बातें भूल जाएंगे आप, फिर उतर जाएंगे इनके प्रचार में? कोई बातें नहीं भूलने वाले हैं। हमने खुलेआम कह दिया है इनको वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत शौक है, तत्काल चुनाव कराइए, मध्यावधि सारे देश में कराइए, सारे राज्यों में कराइए, इनको पता लग जाएगा ये कहां खड़े हुए हैं। क्यों कराएं? क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा, ये आप कह रहे हैं इसलिए करा दें। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब ये बार बार कहते हैं हम यहां भी जीत गए हम वहां भी जीत गए, अरे सारे देश राकेश टिकैत कितने चुनाव जीते हैं आपको पता चल जाएगा। अरे मुझे नहीं बताना, हरवाने लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई आपकी और उनकी है, मैं तो बीच में बैठा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं, आपसे 10 मिनट बात कर रहा हूं, फिर गौरव भाटिया से करूंगा। लेकिन सवाल ये है ना पुष्पेन जी, अगर पूरे देश से सरकार चुन के आ रही है और तीन राज्यों में, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं और आपने वहां प्रोटेस्ट की कमान संभाल ली है, और तीन राज्यों में किसान नेता नाराज हो गए, जिस पर यह भी आरोप है कि अगर किसान कानून वापस ले ले कल सरकार, तो ये फिर साथ हो जाएंगे, क्योंकि नरेश टिकैत कल कह रहे थे राजनाथ जी बात कर ले, एक घंटे में मामला सॉल्व हो जाएगा, वो किस आधार पर कह रहे थे? देखिए मामला किसके आधार पर सॉल्व होगा, किसके आधार पर सॉल्व नहीं होगा, हमने दो मांगे रखी हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, काले कानूनों को वापस दीजिए, ये सरकार उसके बाद जीडीपी भूल जाएंगे आप, पेट्रोल का दाम भूल जाएंगे आप, बच्चों का भविष्य खराब होगा ये भूल जाएंगे आप? जी जी इसका ये जो सारी बातें आपने अभी कही 5 मिनट पहले वो सारी भूल जाएंगे फिर आप कानून वापस ले लें और एमएसपी की गारंटी दे दें तो? वो समय बताएगा, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बता दिया है कि ये सरकार के जाने का वक्त आ गया है, मध्यावधि चुनाव यदि कराएं तो ये हो सकता है 44 सीटों पे आ जाए। चलिए ठीक है सर, 44 पे क्यों लाना चाहते हैं, मैं अब उसमें भी आप गलती से तंज कर गए क्योंकि आप पहले दूसरी तरफ से खेलते रहे, बहरहाल कोई बात नहीं, मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं और आपका सवाल सीधा गौरव भाटिया से पूछ रहा हूं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं जब आप बातचीत ही नहीं करना चाहते हमसे, जब एक महीने से किसान बैठा हुआ है और आप बात करने का समय तक तारीख तक देने को तैयार नहीं है, तो संसद मार्च नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए रोहित जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भारत के किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम उनका सम्मान करते हैं। 11 दौर की बातचीत हुई, अब आप ये बताइए जब बातचीत हो तो उसमें अगर सरकार शर्त रखे कि पहले आंदोलन वापस लो उसके बाद बातचीत करेंगे, इसी तरह का जो रुख है, रवैया है, वो कुछ किसान नेता अपना रहे हैं। प्रदर्शन करने का हक तो है, लेकिन मैं तीन बातें आपको कहता हूं जो राकेश टिकैत जी ने कही हैं और इनके पूर्व के जो बयान है उस पर बाद में आऊंगा। पुष्पेंद्र जी यहां बैठे हैं, पुष्पेंद्र जी आप ये बताइए, राकेश टिकैत कहते हैं इंडिया गेट के पास की जो जमीन है उसकी हम जुताई करने लगेंगे, दूसरा वो कहते हैं कि जो गोदाम है कंपनियों के वो हम तोड़ देंगे, क्या ये अराजकता नहीं है, क्या कानून इसकी इजाजत आपको देता है? और तीसरी बात ये भी उनके मुंह से निकला कि किसान अपनी फसल जला दे। मैं आपसे पूछता हूं कि किसान अन्नदाता होता है, दूसरों का पेट भरता है, और अपनी फसल कैसे कोई किसान जला सकता है, आप मुझे बताइए। अगर आपके कोई भी बिंदु हैं, मसौदा लेके आइए, ये वो सरकार है जिसने एमएसपी दी, ये वो सरकार है जो 2 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, आज 1,15,000 करोड़ रुपए 11,64,00,000 लाभान्वित किसानों के अकाउंट में सीधा गए हैं, और कोई आपकी कमी लगती है, कोई आपको सुझाव देना है तो आप दे दीजिए और मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग केंद्र सरकार की बात करते हैं और मैंने बताया बड़े कई हमने कार्य किए हैं किसानों के हित में, ये राकेश टिकैत जी का बयान है मेरे हाथ में, जब ऑर्डिनेंस आया था इन तीन कानूनों पे, मालूम है क्या कहा था राकेश टिकैत जी ने, उन्होंने कहा था
किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। और राकेश टिकैत जी से कहिएगा, आप मिलेंगे जरूर, हमारे भी साथी हैं, मित्र हैं। पार्लियामेंट के अंदर जाने का उन्होंने प्रयास किया था रोहित जी, 10,000 वोट नहीं मिले थे और जमानत जब्त हुई थी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन गौरव, और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ गौरव जी, कि आपने गौरव जी, हाँ जी, आपने जो कटिंग दिखाई अखबार की, कई बार लोग देख चुके, हाँ, उस पर राकेश टिकैत से आपका सीधा संवाद इसी कार्यक्रम में हो चुका, बैठ के वो सफाई भी दे चुके, जवाब भी दे चुके कि उसके आगे पीछे भी उन्होंने कुछ कहा था, वो अखबार में मिसिंग है जो आप पढ़ के बताते हैं। सवाल यह है कि अगर किसान आंदोलन आज 3 महीने बाद भी जस का तस है तो उसको खत्म कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राकेश टिकैत की है या सरकार की है जो कहती है कि हम अभिभावक हैं और किसान को रीढ़ की हड्डी मानते हैं? आपके प्रश्न का उत्तर, एक मैं उत्तर देता हूं। मैंने आपको 3 बयान बताए, इंडिया गेट के पास का जो स्थान है जो बड़ा सेंसिटिव है उसकी हम जुताई करने लगेंगे और गोदाम जो है वो तोड़ डालेंगे और तीसरा फसल जला दो। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ, ये बयान उचित नहीं है। एक मिनट, आप मुझे बताइए कि कल को कानून वापस हो, ये तो तय कमेटी करेगी, सरकार करेगी, बट मैं एक बात प्रश्न पूछता हूँ, कानून वापस हो, 15 करोड़ का जो किसान है वो लाभान्वित है, वो खुश है इन कानूनों से, ऐतिहासिक बदलाव है, वो प्रदर्शन पे आ जाएंगे, वापस लाओ कानून, क्या अराजकता का माहौल नहीं होगा? लोकतंत्र क्या ऐसे चलेगा कि संसद में पारित कानून और कुछ किसान के जो लोग हैं या बिचौलिए हैं या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो नाराज होकर कहने लगे कानून वापस ले लो, अनुच्छेद 370 का संशोधन वापस ले लो, CA वापस ले लो, ये तो अराजकता का माहौल आ जाएगा ना। इसीलिए मैं कहता हूं बातचीत से ही गौरव जी, जब 370 हटा, किसान भाई हो सकते कश्मीर में, जिनकी चिंताएं हो सकती है, सुरक्षा के बीच ये फैसला हुआ और आप लोगों ने टीवी पर बैठकर दम ठोक के कहा कि अगर 370 हटने से लोग नाराज हैं तो फिर सड़कों पे क्यों नहीं है, आंदोलन क्यों नहीं हो रहा, प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा, अब किसान कानून पे प्रदर्शन हो रहा है तो आप कह रहे हैं ये तो चंद लोग हैं। बिल्कुल, जब तक पूरे 15 करोड़ किसान नहीं उतरेंगे तब तक नहीं मानेंगे कि किसान नाराज है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा नहीं, रुकिए, आपको मैं एक बात बता दूं रोहित जी, और आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको पता है ये बात, आप मुझे बताइए 15 करोड़ किसान जिस दिन सोच लेंगे कि ये कानून उनके हित में नहीं है, भारत 15 मिनट में रुक जाएगा, आपको पता है? क्या आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ क्या, मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, नहीं हुआ। कुछ लोग हैं जो ये भाव फैला रहे हैं कि जमीन चली जाएगी, प्रियंका वाड्रा गांधी अभी कह रही थी आपकी जमीन चली जाएगी, उन्होंने कानून तक नहीं पढ़े हैं, शोक सभा में रामपुर जाके बोलती है कि आंदोलन चलना चाहिए, रोहित जी ये भड़काना नहीं तो और क्या, आप मुझे बताइए, शोक सभा में जाके हमारे यहां ये चरित्र नहीं दिखाया जाता कि आप आंदोलन की बात करें, आप संबल बंधाते हैं, आप साथ खड़े रहते हैं, शोक जो व्यथित परिवार होता है उसके साथ, आप राजनीति नहीं करते और वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी पर तो आरोप लगा कि शोक सभा में गए थे, वहां नारा लगाने वालों को पिटवा के आ गए, ये आरोप लगा, कल बैठे थे वो इसी कार्यक्रम में और उनसे सवाल पूछा था मैंने बालियान जी से कि आपने पिटवा दिया क्या, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं पिटवाया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिसके घर गए थे उसकी शोक सभा में इन लोगों ने कुछ ऐसी हरकत की, लिहाजा उस परिवार ने उनके साथ अगर कुछ किया तो भाई मैं क्या कह दूं। बहरहाल रोहन गुप्ता के पास जा रहा हूं, जो बातें आपने कही उस पर रोहन गुप्ता निश्चित तौर पर जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपने सीधे सीधे तौर पर कहा कांग्रेस भड़का रही है। रोहन गुप्ता बोलिए, क्या कांग्रेस जैसे 26 जनवरी के प्रोटेस्ट में साथ थी, संसद वाले प्रोटेस्ट में भी साथ देगी अगर ये कहते हैं कि हम संसद का घेराव करने आ रहे हैं? देखिए रोहित जी, सबसे पहली चीज के भाजपा का जो मूल मंत्र हो गया है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाओ और अपनी दुकान चलाओ। यहाँ पे आपने सारी अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने सवाल पूछे, सवाल वहां पे नहीं बनता है कि 250 से ज्यादा किसान वहां पे शहीद हो गए, सरकार चुप बैठी है, सरकार सवाल वहां पे नहीं होगा कि 90 दिन के करीब समय होने वाला है और किसान वहां पे बैठे हैं, ये सरकार कुछ जवाब नहीं दे रही है, सवाल वहां पे नहीं उठेगा कि इसी किसान कानून काले कानूनों के खिलाफ इनके ही 2 मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वहां पे अगर कोई बाहर का किसान कुछ बेचेगा तो हम उसको जेल कर देंगे, वहां पे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल वहां पे नहीं पूछा जाएगा जो किले यहां पे सिंधु बॉर्डर पे बिछाई गई, अगर चाइना बॉर्डर पे पूछा था तो देश की जो आज हालत हुई है चाइना बॉर्डर पे वो नहीं होती। हम सवाल जिनको जवाब देना है वो आज सवाल पूछ रहे हैं,
ये सरकार है रोहित जी, उसकी जिम्मेदारी है संवेदनशील होके जो भी किसानों के मुद्दे हैं उसको जवाब दें, पर नहीं, ये अहंकार की लड़ाई हो चुकी है। बात यहाँ पे रोहित जी बहुत बड़ी हो चुकी है, अब ये किसान के स्वाभिमान की और भाजपा के अहंकार की लड़ाई है, और जीत किसानों के स्वाभिमान की होगी, क्योंकि वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। और आज बीजेपी प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि आंदोलन क्या यूपी में उनको जनमेदनी नहीं दिख रही है, किसान पंचायत में क्या हाल हो रहा है। आज आप अपने जो पुलिस है उसको रखिए साइड में, पूरे देश में क्या माहौल बनेगा आपको मालूम चलेगा, इस अहंकार में मत रहिए। और आप जो बोल रहे हैं कि 15 करोड़ किसान खुश है, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, शुरुआत तो पंजाब से हुई है। बात यहाँ पे इतना अहंकार नहीं हो सकता है रोहित जी, तो अगर आप सरकार में संवेदनशील बनिए, यहाँ पे जो भी सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। गुप्ता जी, आप तो गुजरात से ही आते हैं, पंजाब में किसान जवाब दे देता है, गुजरात में इनके साथ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान यहाँ पे बुरी तरह से परेशान है गुजरात में भी, और जब किसान परेशान है यहाँ पे भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं, पर यहाँ पे जिस प्रकार से पुलिस ने रिस्ट्रिक्शन किए हुए हैं, नहीं इकट्ठा होने दे रहे हैं। नहीं, आपके ही प्रोग्राम पे जब मैं बैठे था, गुजरात की जो किसान यूनियन वहां पे गया, उन्होंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट पे। जी गुप्ता जी, मैंने ये समझा है जब आपने पंजाब का जिक्र किया कि आप वहां के निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, तो गुजरात में आपका सुपड़ा साफ हुआ, तो क्या यह माना जाए कि गुजरात की जनता स्वीकृति दे रही है अगर पंजाब की जनता की स्वीकृति नहीं है? तो देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो 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 परिणाम आए हैं वो शहरी विस्तार के हैं, 6 नगर पालिका के हैं, बहुत ही जल्द आने वाले हैं 28 को, तब आप देखिएगा। देखिए, बात यहाँ पे किसानों की हो रही है रोहित जी, हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ के कि अगर हम चुनाव में जीत रहे हैं इसलिए परे, ये गलत बात है। इसका मतलब ये नहीं है आपकी जिम्मेदारी 100% लोगों के प्रति है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको जो वोट दिया वो राष्ट्रभक्त हो, अगर आपको वोट नहीं दिया वो देशद्रोही हो गया, ये गलत मानसिकता है। सरकार की जिम्मेदारी सारे भारतीयों की है, अगर एक भी भारतीय के दिल में दर्द है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी बात को ईमानदारी से सुने और उसको सुलझाए। ये तरीका नहीं है कि जिस प्रकार से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनको आतंकवादी तक कहा गया और टूल किट के माध्यम से डिवाइड एंड रूल करने का मामला किया गया। ठीक है, अगर केवल चुनाव पैमाना नहीं है अजय आलोक, पुष्पेन जी तो कह रहे हैं आज मध्यावधि चुनाव कराओ, बर्खास्त करो सरकार को और आज के आज चुनाव कराओ, आज के आज फैसला करो, अगर चुनाव पैमाना ही नहीं है तो क्या पंजाब का, क्या गुजरात का और फिर क्या मध्यावधि? अजय आलोक, सिर्फ वो एक कहावत सुनी है, शेर है रोहित जी, कि सुकून दिख रहा था हमारे चेहरे पे जमाने भर का सिर्फ दिखने के लिए, वरना बेचैन तो हम जमाने भर के लिए थे। ये जो बेचैनी दिख रही है ना आपको, ये किसान नेता, ये कांग्रेस पार्टी, ये बाकी लोग, कि 2 महीने आंदोलन को बीत गए हैं, अब पूरे देश भर में मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, तो अब प्रियंका गांधी भी कूद गई, उधर से राहुल गांधी तो रोज दिन द्वंद्व लेके कूदे ही हुए थे, और बाकी हर जगह से लोग किसान किसान करना शुरू कर दिए, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मोमेंटम नहीं मिल रहा है। इसीलिए प्रियंका गांधी अब मथुरा से लेके, बाराबंकी से लेके, मेरठ से लेके, हर जगह घूमना शुरू कर दी, किसानों की जमीन ली जा रही है, जरा एक बार भी बताती नहीं किसानों की जमीन कहाँ ली जा रही है। बात रही मध्यावधि चुनाव की, क्यों मध्यावधि चुनाव कराएगी भाई मोदी जी, क्यों करवाएंगे मध्यावधि चुनाव? 303 सीट जीत के आए हैं, एनडीए को 50% से ऊपर मत मिले हैं मध्यावधि चुनाव करवाने के लिए, और आपके कहने पर मध्यावधि चुनाव होने लगे तो एक काम कीजिए, 11 बजे दिन में कहिए कि रात करवा दो रात, ऐसे लोकतंत्र चलता है क्या? बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी, आप इतने संभल के भी, देश में अगर विरोध प्रदर्शन होगा, देश का मानस अगर खुश नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ इकॉनमी बढ़ रही है, यहाँ हर चीज सुधरने के राह पे चल रही है, रोड़े तो अटकाने के लिए आप लोग बैठ गए बीच में, आपको सरकार के लिए वार्ता करने आओ तो कानून वापस हो, पीछे आपने चौधरी चरण सिंह की फोटो लगाई हुई, क्या चौधरी साहब फ्री मार्केट किसानों के लिए नहीं चाहते थे? क्या चौधरी साहब का उनकी पुस्तक में यह वर्णन नहीं था कि पीएसयूज अगर लगातार सरकार फंड करते रहेगी तो देश के लिए ठीक नहीं है? क्या चौधरी साहब किसानों के लिए खुला बाजार नहीं चाहते थे? आप ही बताइए ना, चौधरी साहब की फोटो लगा के आप ऐसी बातें कर रहे हैं और टिकट को समर्थन दे रहे हैं, वही टिकट जो पहले कुछ कहते हैं, और आज तो खुला खेल फरुखाबादी आपने कर दिया ये कह के ये सरकार जाएगी, इकॉनमी का भट्टा बैठ गया, 90% GDP चौपट हो गई। अगर सब कुछ खराब ही कर दिया इस सरकार ने तो 2019 में चुना क्यों जनता ने? नहीं चुनना चाहिए था, 14 से 19 बहुत लंबा समय होता है, किसको ये सब बेवकूफ बना रहे हैं? बोलिए ना कि राजनीतिक प्रेरित आंदोलन है, मोदी को हराने का कोई मुद्दा नहीं है, एक किसान का थोड़ा मुद्दा मिला उसको गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल डीजल भी कम पड़ रहा है, अब लगे रहिए कांग्रेस पार्टी के साथ, कोई फायदा नहीं होने वाला है इसमें, आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आप सरकार के साथ हैं, खिलाफ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल डीजल आप खुद ले आए, विपक्ष वाले तो ले नहीं पाए थे अभी तक, वो भी सोच रहे होंगे थोड़ी देर बाद लाएंगे, आपने खुद याद दिला दिया
कि पेट्रोल डीजल भी है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रमुख, और डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के नेता। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आप ब्रेक के पहले हाथ उठा रहे थे, अपनी बात कहिए, फिर गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। बोलिए पुष्पेंद्र जी। जी जी, ये हमारे जो जीडीओ के प्रवक्ता भाई बैठे हैं अजय आलोक जी, मैं बता दूं, आप चले जाइए, लाखों लाख आदमियों की बैठकें और रैलियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा, आज ही सीकर में रैली, कल सीकर में रैली हुई थी जिसके बारे में आज बताया गया है, और तमाम चाहे जींद में हो, कुरुक्षेत्र में हो, करनाल में हो, वेस्टर्न यूपी में हो, तमाम रैलियां हो रही है और भारी जन समर्थन मिल रहा है, और आप लोगों के पास जो आईबी की रिपोर्ट आती है उसकी वजह से आप घबराए हुए हैं कि कहीं ये बंगाल में ना चले जाए, कहीं ये और राज्यों में आंदोलन ना फैल जाए। तो जाने रहे क्या बंगाल में? आंदोलन टिकट तो कह रहे थे वहां भी जाऊंगा, तो जाना चाहिए बिल्कुल, किसानों के को वहाँ कौन सा एमएसपी मिल रहा है, धान में नंबर वन है बंगाल, चाहिए तो कनाडा में वहाँ नहीं मिलता, लेकिन मसला है कि जाएंगे या नहीं। जाएंगे, सब जगह जाएंगे, इनकी इनकी जड़ उखाड़ करके फेंकनी है अब, मतलब बीजेपी के खिलाफ प्रचार का जिम्मा आपने ले लिया, ये नहीं सुनेंगे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार का कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया। अरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमने इनको बिठाया था, सह सम्मान बिठाया था, 100 करोड़ किसान मजदूरों की वोट के बलबूते पे 300 सीट मिली थी, इनको फिर 84 की तरह 2 सीटों पे पहुंचाना है अब, ठीक है, ये सुनने वाले नहीं है जब तक। गौरव भाटिया, बताया रावण की नाभि कहाँ है? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए, फिर रोहन जी के पास जाना। बोलिए गौरव भाटिया। पुष्पेंद्र जी से मैं कुछ कहना चाहूंगा, पुष्पेंद्र जी से सम्मान कहता हूं, आदर करते हुए, कौन इस देश में सरकार बनाएगा, जनता की सेवा करेगा, ये जनता तय करती है। आप ही के संगठन का जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था 2019 का ट्वीट है और वक्तव्य है कि हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो का समर्थन करते हैं, एपीएमसी की मंडी जो है खत्म करी जाए, रिपील किया जाए एपीएमसी एक्ट, लेकिन हुआ क्या हम सबने देखा। लेकिन आपसे मैं एक सकारात्मक बात कहता हूं, अगर आपको जड़ किसी पेड़ की हटानी है ना, तो वो जहरीला वंशवादी घोटालेबाज भ्रष्टाचारी पेड़ कांग्रेस का है। हमारे साथ तो आप बात करिए, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी उन व्यक्तियों में से हैं जो किसानों की आय दुगनी करके ही डेट तो दिलवा दीजिए, बाकी आराम करेंगे, यही संकल्प है। डेट तो दिलवाइए, बिल्कुल, वो कब मना कर रहे हैं बात करने से? हाँ रोहित जी मेरे को समय दे दीजिए, मैं अभी कांग्रेस की बात का भी उत्तर देना चाहता हूँ। आपने डेट की बात करी, 11 दौर की बातचीत हुई है, जितने और दौर लगेंगे हम बातचीत करते रहेंगे, और इनका दिल जीतेंगे जरूर। एक दिन पुष्पेंद्र जी भी आप ही के चैनल पे कह रहे होंगे कि बात तो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, लेकिन एक मसौदा, मसौदा तैयार करिए, आप सुझाव दीजिए क्या बदलाव चाहते हैं, ये बताइए, जिद पे मत अटकिए कि इसको तो आपको वापस लेना होगा, क्योंकि 1.5 साल के लिए हमने ये भी कहा कि कानून में रोक लगा देंगे, तो ये दिखाता है कि जिद्दी कौन, जिद्दी आप लोग हैं, हम लोग नहीं, हम लोग तो आपके साथ बार बार बातचीत करेंगे। अब मैं कांग्रेस पे आता हूं, आप बताइए ये कौन सा तरीका है, एक आक्रोश रैली हो रही थी, आक्रोश रैली कांग्रेस द्वारा, उसमें गाना चल रहा था रोहित जी, लैला ओ लैला मैं तेरी लैला, जनता कह रही है अरे कांग्रेस हट जा, तूने ही किया है भारतीय राजनीति को मैला, आक्रोश रैली, शर्म करो शर्म करो, कैसे 10 लोग साथ में नहीं है और बातें करते हो किसानों की। रॉबर्ट वाड्रा, किसानों की जमीन हड़प ली बीकानेर में, हरियाणा में केसेस चल रहे हैं, 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी, शर्म करो शर्म करो, आक्रोश है कांग्रेस की सरकार का। और एक और बात बताओ, अगर एक बस 30 सेकंड लूंगा, ये मेरे हाथ में पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जवाब देना चाहूंगा, आपके चैनल की न्यूज दिखा दूंगा, पंजाब में किसानों को जेल में डाला जा रहा है, इसका सेक्शन 25 कब वापस होगा, और पुष्पेंद्र भाई डेट देखना, इनके खिलाफ कब आंदोलन होगा, डेट देखना, जेल में डालने की बात कर रहे हैं, डेट देखो ऊपर, ठीक है, जरा डेट पढ़ो उसी में, रोहन जी डेट पढ़ लो, क्या होगा रोहन जी, आप जवाब दे दीजिए, अभी आपकी सरकार नहीं है वहाँ पे, आपस में मत उलझिए, आप किसकी सरकार थी, ठीक है, किसकी सरकार थी 2013 में, रोहन जी आ रहा हूँ ना, तब आप बोलिए अपनी बात। अच्छा मेरा, अच्छा कसम खा के बैठे हो क्या, भारतीय जनता पार्टी का अगर अकाली
वाली की सरकार होगी तो आप कुछ नहीं करोगे। अरे भाई साहब, मेरा सवाल जवाब है, फिर के आपके हाथ में एक ही लॉलीपॉप है। इशू को एड्रेस करना चाहते हैं, करिए जो गौरव कह रहे हैं, लेकिन मेरे दो इससे इतर सवाल हैं। एक जो मैंने पहले भी पूछा था, क्या संसद मार्च में कांग्रेस पार्टी साथ है, जैसे दिल्ली में 26 जनवरी के प्रोटेस्ट में आपने वादा किया था साथ देंगे? चुप करवाइए पहले। हाँ, चुप हो गए, वो बोलिए आप। बिल्कुल, देखिए रोहित जी, जो भी किसान जो भी स्टेप उठाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, पहली बात। पर आपको भाजपा से भी वादा लेना होगा कि दीप सिद्धू जैसा कोई आदमी ना छोड़ दे वहां पे, जो जाके जानबूझ के वहां पे वो करे और 7 दिन तक गायब रहे। सारी डिबेटों में किसानों को सबको पकड़िए, जो लोग भी। और दूसरा सुनिए, चुपचाप सुन रहा था रोहित जी, इनको चुप करवाइए। आपकी डिबेट की गरिमा है, गौरव पाटिया जानते हैं, मैं उनसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। गौरव जी प्लीज, इनके मुंह में निप्पल दे दीजिए, चुप करिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं, लखा सिद्धार्थ बठिंडा में रैली कर रहा था, पंजाब में आपकी सरकार है, उसके ऊपर इनाम है, निप्पल सूदर कहते हैं, आप क्यों नहीं पकड़ रहे उसको, क्यों नहीं पकड़ के दिल्ली पुलिस के हवाले कर देते? आजकल बच्चा क्या बोल रहा है? गौरव जी, गौरव जी, बिल्कुल देखिए रोहित जी, गौरव जी, रोहित जी, रोहित जी, इनको चुप करवाइए। ये क्यों बिखर रहे हैं? अभी किसान का मुद्दा है, मैं मान के इनके बालों पे आ जाऊंगा, ये चुप हो जाएंगे राजनीति में, सबसे ज्यादा ये चुप हो जाएंगे। इनके पास शर्म तो है नहीं, अपने आप को लॉयर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गोत्र से है, इनको अभी चुप हो जाएंगे? किस मुंह से ये बोल रहे हैं? अपने आप को लॉयर बता रहे हैं, इनको चुप करवाइए। रोहित जी, मैं भी गलत कर सकता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। गौरव जी प्लीज, यहां पे हम किसानों की बात कर रहे हैं। गौरव जी, आपने अपनी बात रख ली है, अब आपको दूसरे की बात सुननी चाहिए प्लीज। जैसे ही मैं बोल रहा हूं, रोहन गुप्ता, अब छोड़ दीजिए, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। लखा सिधाना पंजाब में है, टीवी के चैनलों पे उसकी तस्वीरें दिख रही हैं, सरकार आपकी है, क्या आपकी सरकार को नहीं दिख रहा, या आपने तय किया हुआ कि हमको बचाना है? देखिए, अगर FIR उसके ऊपर हुई है, दिल्ली पुलिस ने मुख्तार अंसारी को बचा, पकड़ ले, कौन रोक रहा है? FIR है, गुनाह है तो पकड़ ले, हमारा पूरा साथ है। देखिए रोहित जी, यहाँ पे बात ये नहीं है, बात दीप सिद्धू की थी, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन किया, दीप सिद्धू को मुख्तार अंसारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ गए, लखा सदाना क्या चीज है? पर जो अहंकार से ये सरकार किसानों को आतंकवादी घोषित करने में लगी है, जिस प्रकार से लाल किले की हमने देखा, जो झंडा हटाने की बात की, राष्ट्रवाद की बात हुई, हकीकत पूरे देश ने देखा, हकीकत पूरे देश ने देखा कि उसके पीछे क्या हकीकत थी। और रोहित जी, आप एक चीज समझिए, अगर हिंसा होती है, अरे भाई तू रहेगा अकेला, तेरे बालों का नहीं होगा कोई चेला, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, हाथ जोड़ अकेला कौन है? लैला लैला बात में कर लेना, सब अकेला ही जाने वाला, ये बंद करो, तू नहीं होने वाला तुम्हारा, मेला छेला पहला, अरे बंद कर दो भाई, बंद कर दो, 15 लोग छेला बंद कर भाई, छेला भाई बंद करो। रोहित जी, इनको चुप करवाइए, क्यों बौखला रहे? रोहन जी प्लीज, रोहन जी ऐसी शब्दावली, रोहन जी अपनी अपनी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, रोहित जी ये गंदी बातें ना करें। सुनिए रोहित जी, मैं चुपचाप बैठा, अजय जी बोलना चाह रहे, फिर आपकी बात, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये किसान लड़ता रहेगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से किसान के साथ करें, कितनी भी आवाज ये सरकार दबाए। सर, उत्तर प्रदेश जनवरी को जो हुआ रोहन जी, पूरे देश में जो आवाज उसमें भी वादे यही किए गए थे कि शांतिपूर्ण रहेगा, ये जो अहंकार है लेकिन नहीं रहा, ये चकनाचूर होने वाला है, देश के लोगों के मन में ये चिंता है, ये डर है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस परमिशन देती है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो भी आंदोलन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से, और जो भी उसके पीछे जिम्मेदार हो। और रोहित जी, अरे चुप रहिए आप, अब आप चुप रहिए, अब आपको नहीं बोलने दूंगा मैं। रोहित जी सुनिए, अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो भी आदमी जिम्मेदार हो, जो भी आदमी जिम्मेदार हो, ना जिसको सरकार पकड़ती है, अगर पंजाब से वकील उतार देते हैं उसके लिए, रोहित जी कि हम इनका केस लड़ेंगे, अगर किसी के आंदोलन में डबल स्पीक होती है तो नुकसान किसका है? इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं कहते क्या रोहन गुप्ता? जिसको सरकार पकड़वाती है, पुलिस पकड़ती है, आप कहते हैं कि हम वकील दे रहे हैं उसको, वैसे आप कहते हैं कि सरकार पकड़ती क्यों नहीं है? बहरहाल अजय आलोक के पास जा रहा हूं, वो आपकी बात पे कमेंट कर रहे हैं। अजय आलोक बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था रोहन जी की बात पे कि लखा सदाना को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वारंट नहीं दिया। पूरा देश जानता है कि लखा सदाना पे इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन पंजाब सरकार को नहीं सुनाई देगा ना, वो पुलिस के नीचे आराम से रैली भी कर लेगा। तो दिल्ली लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में क्या हुआ? वो कौन से भगवान के अवतार बन के आए हुए थे? रोहन जी सुनिए, अरे रोहन जी आवाज नहीं सुन रहे क्या?
अरे अब आप नहीं सुन रहे हैं, अब आप नहीं, अरे आप हम डिसाइड करेंगे, अरे अब आप बात नहीं सुन रहे हैं। ये देखिए देखिए, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, रोहित जी अभी मेरी बात नहीं सुन रहे, भाजपा के साथ जेडीयू भी जाएगा, अब ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ये लेला और लेला करते रहिए आप। अरे यार रोहन जी, अब तो बात सुनिए, सारी इनकी तो सुनिए कम से कम। अरे रोहन जी सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुन रहे हैं, बोलिए। मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी कौन से भगवान के दूत थे? अरे बोलिए, जिनको पंजाब के जेल में रखा हुआ बिठा के दामाद बना, बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार से केस लड़ रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब सरकार क्यों उत्तर प्रदेश सरकार से केस लड़ रही है क्रिमिनल के लिए कि हम इसको नहीं जाने देंगे उत्तर प्रदेश? वो कौन सा दामाद बना के उसको पाल रहे हैं आप लोग पंजाब के जेल में? पता नहीं कितना अच्छा प्राणी है वो, उसके बारे में क्या कहना है? 7 दिन तक बाहर घुमा दीप सिद्धू, एक नहीं कितने सारे इंसिडेंट्स हैं, आप कितने को ढकेंगे? रोहन जी कितने को ढकेंगे? अरे दीप सिद्धू तो जेल में है, आपको इंटरोगेशन भी हो रही है, वो सोशल मीडिया पे निकल भी रही है बातें, रोज दे रहा था, आप बातें निकल भी रही है, पकड़ा गया ना दीप सिद्धू, बेइज्जती आपकी हो रही है, पकड़ते भी नहीं है, पार्टी भाजपा ही खत्म कर छोड़ देते हैं, आपकी मनमोहन सिंह के रहते हुए आपने इतने आतंकवादियों को छोड़ दिया आपका, ये तो आपके रिकॉर्ड में है ना, आपकी जो हाल होने वाली है, आतंकवादी के मन में आंसू निकलते हैं, आपके रिकॉर्ड में है ना, ओसामा जी आपके रिकॉर्ड में, के बाद आप विरोध करने वाले हैं, चलिए आपके प्रधानमंत्री मजबूर होने वाले, समय वैसे ही खत्म हो रहा है, एक बड़ी खबर आ गई वो बता देते हैं अपने दर्शकों को, मैं नहीं झगड़ूंगा इनसे, यूपी विधानसभा में मैं नहीं झगड़ूंगा इनसे, लव जिहाद पर विधेयक पास हो गया है, यानी कि एक और राजनीतिक विवाद की नींव रखी जा चुकी है, इस पर भी आगे लंबी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, गौरव जी माफी चाहूंगा, समय बचा नहीं है, लेकिन समय इस बात के लिए जरूर बचा है कि अब भी सरकार और किसानों के बीच वार्ता फिर से शुरू हो, और जो बात सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत से हल ना हो, ऐसा कोई मसला नहीं है दुनिया में, तो बातचीत करके इस मसले को हल कर लिया जाए इससे पहले कि 26 जनवरी जैसी कोई घटना दोबारा होने की आशंका किसी के मन में आए। तो दंगल में आज हमने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि क्या राकेश टिकैत का संसद तक मार्च का अल्टीमेटम देना ठीक है, आपके जो जवाब हमें मिले 12% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 88% लोगों का कहना है कि नहीं ये ठीक नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।